So now we can study about the oscilloscope. So here what we are saying about the oscilloscope, it is similar to that of the chart recorder. If we are using the oscilloscope, you will get their output or input in the waveform. वेवफॉर्म के फॉर्म में तुमको इनपुट या आउटपुट तुम चेक कर सकते हो. सो यू कैन से हियर द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप वी आर सपोज टू यूज टू सी द आउटपुट इन द वेवफॉर्म फॉर्म. सो इफ यू सी प्रैक्टिकली ऑसिलोस्कोप विल बी लुक लाइक दिस. द ऑसिलोस्कोप्स आर डिस्कवर्ड and it is having horizontal as well as vertical section. If you are drawing any graph, at that time we are supposed to use x and y axis. Like that way, if we want to see any graph on oscilloscope, at that time you will require their vertical and horizontal section. You can see here to the output. Here we are having channel 1, channel 2 and one for triggering. So channel 1, channel 2. If you see different oscilloscope which are designed by different manufacturer, they are having different specifications. Some will have 2 channels, some will have 3 to 4 channels. So here by using channel 1, by using channel 1 and by using extra triggering and by using channel 2 and extra triggering. मतलब extra triggering मतलब क्या है? This is we are using as a common. जैसे हम voltmeter में multimeter में common use करते थे. Like that way we are supposed to use this as a common. और channel 1, channel 2. If you are giving any input to the half wave and you are supposed to out check its output also at the same time. तो हम क्या करेंगे, चैनल वन का कनेक्शन इनपुट को देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के. कौन से टर्मिनल को? पॉजिटिव को. एंड नेगेटिव टर्मिनल जो रहेंगे वी विल गिव टू द ईएक्सटी टीआरजी. मतलब बाय यूजिंग वन प्रोब. आफ्टर दैट इफ वी आर सपोज टू सी इट्स आउटपुट आल्सो, आउटपुट का जो टर्मिनल है वी विल कनेक्ट टू द चैनल टू और उसका आउटपुट का नेगेटिव वी विल गिव कॉमन टू द ईएक्सटी ट्रिगरिंग. आफ्टर दैट हियर इफ वी आर सपोज टू रोटेट एनी पोजिशन, जैसे तुम डिविजन करते हो एक्स और वाई एक्सिस में कोई ग्राफ करते हो, तो समटाइम यू कैन यूज वन फॉर वन लेंथ और टू कैन वन लेंथ. मतलब तुम कितना स्पेस किसके लिए यूज कर रहे हो. लाइक दैट इफ वी आर सपोज टू चेंज यूअर सेक्शन और यूअर होल्ड पर डिविजन ऑन चैनल वन, चैनल टू और ऑन हॉरिजेंटल, वी कैन मेजर by using this cursor we can change the value. ये जो cursor से we can change. अब किसी का question रहेगा, मैम vertical में यहाँ पे position दो बार बताया है, horizontal में एक ही. Why? Because if we are supposed to check its input and output of half wave rectifier, we are giving input on channel 1, output on channel 2. But जो इनपुट मैं दे रही हूँ उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट मिलेगा उसका वैल्यू का एम्पलीट्यूड में चेंज रहेगा, बट उसका जो एक्स एक्सिस है उसमें चेंज रहेगा नहीं. इफ यू सी अवर नोट्स ऑन द फर्स्ट यूनिट, जहाँ पे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के तुमको डायग्राम ड्रॉ किए हुए है. सो इफ वी आर मेजरिंग द इनपुट एंड आउटपुट, वी विल ड्रॉ ऑन द एक्स एक्सिस. सिर्फ जो आउटपुट में उसका वोल्टेज या करंट है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई वी विल हैव ओनली वन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. के लिए दो है, जो एक है चैनल वन के लिए, दूसरा है चैनल टू के लिए. सो वी कैन यूज कर्सर वन टू चेंज इट्स पोजिशन. मतलब तुमको उसका पोजिशन इनपुट का चेंज करना है आउटपुट का, बाय यूजिंग दैट यू विल गेट इन यूअर डिस्प्ले में तुम्हारे चेंज हो जाएंगे. लाइक दैट इफ वी आर सपोज टू गिव there any triggering input, we can give by using that trigger level. So this is the digital storage oscilloscope, DSO. So here basic operation is that
by using digital oscilloscope if we are reflecting any beam. At that time, beam is vertically deflected on the display, and how that beam is going and control on the horizontal, that you will able to see on the digital storage oscilloscope. मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट को इफ यू वांट टू शो इन द वेव फॉर्म. बीम मतलब क्या है, एक लाइट का, दे आर शोइंग एनीथिंग विच इज पासिंग लाइक दैट. इफ वी वांट टू सी एनीथिंग इन द ग्राफिकल स्ट्रक्चर वी कैन यूज देयर डीएसओ. सो हियर द ट्रिगर सेक्शन विच इज बिकमिंग मोर पोटेंट एंड फीचर फिल्ड, बट इट्स primary purpose is still to tell the beam when to start. So here, by using the digital storage oscilloscope, we are having vertical control, horizontal control. They are showing in this diagram how we are doing the control. Ye jo hai pura 1 2 3 4 5, these they are showing on display. Ye jo display ka tha yahan ka, ye jo display hai, they are showing the display on how it will be on the theoretical graph. So here on channel 1, channel 2, we can convert or change value of voltage, value of frequency, and here vertical coupling, which is having three terminals. These are nothing but one is for ground, second is for AC, and third is for DC. They will ask that question, vertical coupling mein kaun se three setting hota hai. Vertical mein kya kya hai, you can see here also vertical, in which you will get there AC, DC and ground. After that, now you can see here probe. Probe matlab kya, jo hum wire use karte hai for connections. So here horizontal sections, horizontal, which will control the deflection of beam on horizontal display. Horizontal menu, by using horizontal menu we can see the beam on window zone or window or the main board. So here, if we are supposed to display at that time, if we are selecting any menu like type, in dot format or vector format, we can change by using the time menu. If we are supposed to change its format, means if we are changing any thing, you can change by using the format button. If you can see here, we are using horizontal control for making the division in horizontal line. We are using triggering sections in which we can use edge, video control, we can use slope. That will determine slope is at trigger point and it is on rising edge or it is on the falling edge. Normally, if you see triggering edge flip, triggering edge slope will be always on rising section. But if we are supposed to change it on the falling portion, we can change by own. If we are supposed to see here mode section, in which you will get there how much section treats the waveform. Here we can convert modes like auto, normal and single. जैसे हम मोबाइल में एक तो नॉर्मल मोड यूज करते हैं ऑटो, ऑटो मतलब खुद ब खुद हो जाता है, और वी कैन यूज हियर सिंगल. दिस यू आर सपोज टू स्टडी इन नॉर्मल मोड डिस्प्ले विच यू विल शोन दैट यू विल गेट ऑन द ट्रिगर इवेंट, एंड इफ नो ट्रिगर विल ऑकर्ड इट विल कंटिन्यू टू शो दैट डिस्प्ले. बट in the older scope, there was selections that allowed to the train to trace to run freely. Matlab kya hota hai normal mein, if we are not changing anything, to jo pehle display hai wo as it is tumko dikhega. If there is a auto mode, this free run mode will allow the wave to display until it receive trigger, and if it will receive the trigger, it will change. It means what? It will lock the display which we have seen in the normal, and it will give us new display. मतलब तुम उसको change कर रहे हो,
तो क्या हो जाएगा, इफ इन बिटवीन यू आर चेंजिंग, जो नॉर्मल में पहले जो दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, नया डिस्प्ले दिखेगा. एंड व्हाट डज मीन बाय ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स व्हाट, इफ सॉरी ट्रिगर नहीं, थर्ड वन इज सिंगल. सो व्हाट डज मीन बाय सिंगल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल मोड, इट विल कैप्चर वन पास ऑफ वेव फॉर्म एंड ओनली वन पास, इट विल नॉट टेक अनदर, दिस इज हैंडी. सो इफ वी आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट ऑकरेंस एट दैट टाइम वी आर सपोज टू यूज देयर सिंगल, बट इफ वी आर सपोज टू चेंज वी कैन यूज ऑटो और अ नॉर्मल. Now you can see here acquired menu, in which we can change its peak value, which will change from any value. Additional, if you see here, we are using TDS 210 training manual. You will get there if you search on the Google, its user manual of CRO, you will get its. So here, now we can see about the spectrum analyzer. As we have seen, we can use oscilloscope, and there are the times when it is valuable to view waveform in the frequency domain rather than in a time domain. But one common application when we are supposed to work with various structure, where oscilloscope is displaying voltage versus time, it is. But if you see about the spectrum analyzer, which will give us the waveform, which will be in the form of voltage versus frequency. मतलब oscilloscope हमें क्या दे रहा था, voltage versus time दे रहा था. It is not giving exactly the value of frequency. We are supposed to use there again function generator. But in the spectrum generator, you will get the waveform, which will be in the form of voltage versus frequency. So you can see how it will be look like. The spectrum analyzer will be look like practically like this. Actually, in our syllabus, they have not given the spectrum analyzer, but you should know it is the advantage on the DSO, matlab digital storage oscilloscope, or they can say cathode ray oscilloscope also. Tum usko CRO bhi bol sakte ho, ya fir tum usko digital storage oscilloscope bhi bol sakte ho. Here we have finished our fourth unit, that is the electronic instruments. I will provide you the notes on that unit and the MCQs also. Okay. If anyone is facing any issue, you guys can ask me. Otherwise, I will take your attendance.